हाँ डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्यावरवी स्थापित जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विषयी हाँ खरेली श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगितलो। प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत के अलावा 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के अलावा पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। प्रमोद सावंत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के सीएम बने थे। अब उन्हें दोबारा गोवा की सरकार चलाने का जिम्मा दिया गया है। प्रमोद सावंत की नेतृत्व में ही गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की और सरकार बनाने में सफल हुई। 24 अप्रैल 1973 को जन्मे प्रमोद सावंत का पूरा नाम डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत है। उनकी मां का नाम पद्मिनी सावंत और पिता का नाम पांडुरंग सावंत है। प्रमोद सावंत ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर की गंगा एजुकेशन सोसाइटी से आयुर्वेदिक चिकित्सा में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने पुणे की तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में मास्टर्स की पढ़ाई भी की है। वो किसान और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रैक्टिशनर भी हैं। प्रमोद सावंत ने अपनी राजनीतिक यात्रा आरएसएस के सदस्य के रूप में की थी। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी संघ के वार्षिक संचालन कार्यक्रम में शामिल होते थे। साल 2007 में भाजपा ने प्रमोद सावंत को सांखली सीट से मैदान में उतारा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 2012 में सकेलिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2017 में भी प्रमोद सावंत ने सकेलिम सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफलता पाई। 2017 में दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रमोद सावंत विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रमोद सावंत मनोहर पर्रिकर के काफी करीबी थे। 2017 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षा केमिस्ट्री की टीचर के साथ ही भाजपा नेता भी हैं। वो भाजपा महिला मोर्चा की गोवा इकाई की अध्यक्ष है। प्रमोद सावंत बेहद सरल स्वभाव के हैं। उनकी गिनती मृदुभाषी और सौम्य राजनेता के तौर पर होती है। उनकी सरलता को सभी पसंद करते हैं। प्रमोद सावंत पर किसी भी घोटाले का आरोप नहीं है। उनके काम करने के स्टाइल को केंद्रीय नेतृत्व भी काफी पसंद करता है। लोग उन्हें प्यार से डॉक्टर साहब भी कहते हैं। कोरोना संकट से निपटने के दौरान भी प्रमोद सावंत ने काफी एक्टिव तरीके से काम किया था। यही कारण है कि जब उनके नाम पर मुहर लगी तो सभी ने अपनी सहमति दी। अब प्रमोद सावंत दोबारा गोवा के सीएम बन गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।